नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों को खतरे में डाल दिया है। यहाँ बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। बिहार में इस वक्त कई नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई नदियों के बांध टूट गए हैं, जिससे बिहार के करीब 13 जिले बाढ़ की चपेट में, और ये सब नेपाल में भारी बारिश की वजह से हुआ है। नेपाल में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बिहार सरकार ने बताया कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण रविवार सुबह 5 बजे कोसी बैराज वीरपुर, जो कि नेपाल में है, वहाँ से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पिछले 56 सालों में पहली बार होगा जब इतनी अधिक मात्रा में पानी छोड़ा गया है। ऐसे में बाढ़ के इस संकट को देखते हुए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को निचले इलाकों से दूर रहने को कहा है, साथ ही अपील की है कि वो निचले इलाकों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि नेपाल में बारिश होने से बिहार में बाढ़ क्यों आती है। दरअसल नेपाल में आसमानी आफत की वजह से बिहार के सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान को छू रही हैं या उससे ऊपर बह रही हैं। नेपाल में 1968 के बाद से अभी तक इतनी भारी बारिश कभी नहीं हुई थी। 27 सितंबर से नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद से नेपाल में कई नदियां उफान पर हैं, जिसमें से एक है नारायणी नदी। हालात को देखते हुए ये आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 घंटे में नारायणी नदी का पानी बिहार के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज तक पहुँच जाएगा। चूँकि नेपाल में लगातार भारी बारिश हो रही है, इसकी वजह से बिहार में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण रविवार को कोसी बैराज वीरपुर से रिकॉर्ड 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके कारण बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा और गंगा जैसी नदियां उफान पर हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार के 7 तटबंध टूटे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी बैराज वीरपुर से रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने से 13 जिलों के लगभग 16.28 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जो भारी बारिश के कारण पहले से ही बाढ़ से जूझ रहे हैं। 1968 में भी कोसी बैराज वीरपुर के 7.88 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उस समय भी बिहार के कई जिलों में तबाही मची थी। इस बार भी करीब वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। इन नदियों में कोसी, गंडक और गंगा है, जिसका पानी पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया और कई अन्य जिलों के निचले इलाकों में प्रवेश कर गया है। हालात अब ये हैं कि लोगों के घर तक पानी घुस चुका है, जिसके बाद लोगों के पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार में बाढ़ का नेपाल कनेक्शन क्या है। नेपाल में बारिश होने से बिहार में बाढ़ आने का कारण है बिहार का मैदानी इलाका, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। नेपाल की करीब 7 नदियां कोसी में मिलती हैं, जो कि बिहार में हर साल तबाही मचाती है, और यही कारण है कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिला नेपाल से सटा हुआ है। इस वक्त ये जिले भी बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ भी निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बहरहाल आपदा विभाग ने 13 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को तैनात रहने के लिए भी कहा गया है। सारे इंजीनियर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जिले में राहत बचाव कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी बिहार में आई बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर संभव मदद दिए जाने का भरोसा दिलाया है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत मंगल पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि किस तरह राज्य सरकार और मुख्यमंत्री बाढ़ की बिगड़ती स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। बाढ़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार गंभीरता के साथ नजर बनाए हुए है। हर संभव सहायता पीड़ित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। जो जलस्तर तेजी से पिछले 2 दिनों में बढ़ा है, सभी जिलाधिकारी भी उस पे नजर रखे हुए हैं, और जहां कहीं बांध के टूटने के कारण कुछ प्रखंडों और पंचायतों में जल जमाव हुआ है या बाढ़ का पानी आया है, वहां पे कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को खाना खिलाने की व्यवस्था की जा रही है। उनको पॉलिथीन और तिरपाल दिए जा रहे हैं, पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो आवश्यक दवाइयां हैं, दवाइयां और बोट एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में मॉनसून कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ गई है। बाढ़ से त्रस्त उत्तर बिहार पानी के प्रलय के संकट से जूझ रहा है। अगले 48 घंटों में जल संसाधन विभाग ने
उत्तर बिहार की गंडक, कोसी और महानंदा नदियों में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। तो फिलहाल बिहार में ये हालात बने हैं और कहा जा रहा है कि ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं अगर पानी का दबाव नहीं रुका और बाढ़ की स्थिति कम नहीं हुई और बारिश का दौर अगर जारी रहा तो स्थिति सामान्य से असामान्य हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि बिहार को अब कौन बचाएगा, बिहार की लाखों आबादी को अब कैसे संभाला जाएगा और बिहार में लाखों आबादी के बीच रोजी रोटी का जुगाड़ कैसे किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की स्टेट।